भालू, जिसे आप लोग रिक्च के नाम से भी जानते हैं, भालू का वैज्ञानिक नाम उर्सिडे है। भालू एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपों पर पाया जाता है। भालू देखने में बिल्कुल सभी भालुओं की तरह ही दिखते हैं। साथ ही इनका शरीर काफी बड़ा होता है। लेकिन क्या एक भालू एक माउंटेन लायन या फिर हम कहे काउगर का सामना कर सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम काउगर और ब्लैक बियर से जुड़ी कुछ जानकारियों को जानने वाले हैं और आखिर में हम ये जानेंगे कि इन दोनों में से सबसे ताकतवर जानवर आखिर कौन सा है। इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो ये जानने के लिए कि काउगर और ब्लैक बियर में कौन सा जानवर सबसे शक्तिशाली और ताकतवर है, हम इन दोनों से जुड़ी कुछ जानकारियों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउगर की। तो काउगर एक ऐसी बिल्ली है जो कि एक इंसान को आसानी से खा सकती है। काउगर अमेरिका में रहने वाला जैगुआर के बाद दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कैट है। ये ज्यादातर अपने शिकार रात के समय करते हैं और ये छोटे से लेकर सभी बड़े जानवरों और जीवों तक का भी शिकार कर सकते हैं। काउगर अपने शक्तिशाली जबड़े का इस्तेमाल कर अपने शिकार को निशाना बनाते हैं। काउगर का बाइट फोर्स 650 PSI तक का होता है। एक नर काउगर करीब 220 पाउंड तक का वजनी हो सकता है और काउगर शेर, बाघ और जगवार के ही तरह खतरनाक बिल्ली प्रजातियों की श्रेणी में आता है। वही हम बात करें इनके हाइट की तो ये 60 से 90 सेंटीमीटर तक के लंबे हो सकते हैं। इनके पास बहुत ही बड़े पैर मौजूद होते हैं जिसकी सहायता से ये 18 फीट तक की छलांग लगा सकते हैं और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होते हैं। साथ ही इनके पास कहीं अधिक और बड़े क्लॉस भी मौजूद होते हैं जिससे इनका शिकार शायद ही कभी इनसे बच सकता है। और वही दूसरी तरफ हम बात करें ब्लैक बियर की तो काले भालू का यह नाम पूरी तरह से ठीक नहीं है क्योंकि काले भालू कई रंगों में मिलते हैं। ये भूरे, ग्रे, सिल्वर, ब्लू और क्रीम कलर के हो सकते हैं। इनका आवासीय स्थल उत्तरी तुंद्रा से लेकर कनाडा और अलास्का तक है। ये मध्य अमेरिका, मेक्सिको में भी पाया जाता है। ये भालू प्रोटीन युक्त आहार खाना पसंद करते हैं जिसमें दीमक, मधुमक्खियां, पतंगे और कुछ भालू की प्रजातियां केवल मछली पर ही निर्भर होती है। ये भालू मरे हुए जीवों का मांस भी खा लेते हैं। काले भालू की कुल 16 उप प्रजातियां हैं। मुख्यतः ये कनाडा और अमेरिका में पाई जाती है और उन सभी भालुओं के नाम को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि हम बात करें काले भालू के बाइट फोर्स की तो इनका बाइट फोर्स 750 PSI तक का होता है और ये हाइट में 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर की लंबाई रखते हैं। ब्लैक बियर का वजन भी काफी ज्यादा होता है। ये 90 से लेकर 250 किलोग्राम तक वजनी हो सकते हैं और काले भालू के प्रजातियों में नर भालू मादा भालू से ज्यादा वजनी होते हैं। और अब हम इन दोनों से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं कि आखिर ब्लैक बियर और काउगर की लड़ाई में कौन सा जानवर जीतेगा। यदि हम बात करें ब्लैक बियर की तो ये भालू ज्यादातर आक्रामक नहीं होते हैं और ये शांत ही रहना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें काउगर की तो ये काफी खतरनाक जानवर होते हैं और ये काफी आक्रामक किस्म के होते हैं। अगर असलियत में देखा जाए तो ये जानवर कभी आमने सामने नहीं आ सकते क्योंकि इन दोनों ही जानवरों का हैबिटेट अलग अलग होता है। लेकिन अगर फिर भी ये कहीं पे आमने सामने हुए तो तब उस समय ब्लैक बियर वहां से दूर हटना ही सही समझेगा क्योंकि ये भालू की प्रजातियां ज्यादातर रिस्क नहीं लेते हैं। लेकिन काउगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो इस काले भालू पर सीधा हमला कर उसे हरा देगा।
तो आज की इस वीडियो में हमने आपको काउगर और ब्लैक बियर से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में बताया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तब आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दे ताकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और डाल सके।